एक पेडेस्टल फैन का खुला वाला सेक्शन, टू कोर केबल, यहाँ से अंदर इंटर हुए ब्राउन और ब्लू वायर, ब्राउन वायर ब्लैक को कनेक्ट है जो फैन के स्टेटर के न्यूट्रल को जाता है, ब्लू वायर एक सिलेक्टर स्विच मीडियम हाई मीडियम लो ये कॉमन, इसमें नाइक्रोम रेजिस्टेंस या रेगुलेटर नहीं दिया हुआ है। फैन स्टेटर के अंदर से तीन वायर तीन स्पीड के लिए और एक न्यूट्रल लिया हुआ है। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है 1.2 माइक्रोफैराड 50-60 हर्ट्स 250 वोल्ट्स स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। पीछे गियर बॉक्स है ऑसिलेशन के लिए, रोटर में आगे और पीछे दोनों तरफ थ्रेड है, ये पीछे के थ्रेड गियर बॉक्स को ऑसिलेशन के लिए मूवमेंट देने के लिए, सामने के थ्रेड यहाँ फैन फिट होगा, रोटर यहाँ बुश असेंबली है, बुश के ऊपर स्प्रिंग है, इसे जांचने के लिए सीरीज टेस्लम में लगाया, सीरीज टेस्लम ग्लो नहीं हो रहा है। हाई मीडियम लो नहीं हो रहा है ग्लो, इसे एक टेस्लम से चेक करेंगे। ये वायर निकाल लिया, सीरीज टेस्लम का वायर यहाँ कनेक्ट करेंगे, दोनों वायर शार्ट किए, लैंप ग्लो हो रहा है, टू पिन प्लग एक पॉइंट इसका लेंगे, इसके साथ ब्लू वायर में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, दूसरा वायर, ये वायर यहाँ ब्लू को कनेक्ट है, ब्लू ग्रीन में सप्लाई नहीं आ रहा है, वाइट में नहीं आ रहा है, रेड में नहीं आ रहा है। हाई का बटन दबाएंगे, हाई, अब चेक करेंगे, रेड में सप्लाई आ रहा है, वाइट में नहीं आ रहा है, ग्रीन में भी नहीं आ रहा है। अगर स्टेटर के वाइंडिंग ठीक रहती थी तो कोई भी एक बटन दबाने के बाद तीनों में सप्लाई आता था, अब सिर्फ आर में आ रहा है, मीडियम का बटन दबाएंगे,
मीडियम। अब चेक करेंगे, वाइट में अभी सप्लाई आ रहा है। वाइट जी में नहीं आ रहा है, आर में नहीं आ रहा है, लॉक का बटन दबाएंगे। अब चेक करेंगे, ब्लू इनकमिंग सप्लाई, वाइट, ग्रीन, ग्रीन में सप्लाई आ रहा है, वाइट में नहीं, वाइट में भी आ रहा है। इसका मतलब वाइट और ग्रीन का वाइंडिंग ठीक है। आगे जांचने के लिए दूसरा वीडियो देखिए।